छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हाल ही में निशाना साधते हुए कहा था कि जो लगातार केंद्रीय मंत्री सांसद बने हुए थे उनको अगर विधानसभा में उतारा जा रहा है इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है और इस भय से वो बड़े बड़े योद्धाओं को उतार रही है। सबसे पहली बात ये है कि जो लगातार केंद्रीय मंत्री बने हुए थे सांसद बने हुए थे उनको यदि विधानसभा में उतारा जा रहा है इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है और इस वजह से वैसे बड़े बड़े योद्धाओं को उतार रहे हैं लेकिन आप सब समझ रहे हैं कि स्थिति क्या है। अब सीएम बघेल के इस हमले पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार किया है। मनोज तिवारी ने कहा सांसद अगर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो हम उसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, अगर वो सोचते हैं कि चुनाव को हम गंभीरता से ना लें तो ये उनकी रणनीति होगी और सबसे बड़ी बात ये है कि वो किस बात पर जीतेंगे। तो सांसद के लोग अगर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो ये तो हम उसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, अगर ये वो सोचते हैं कि चुनाव को हम गंभीरता से ना लें तो ये उनकी स्ट्रेटजी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि किस बात पे जीतेंगे ये लोग जो गठबंधन बना रहे हैं, उस गठबंधन में कहते हैं हम सनातन धर्म को समाप्त करेंगे, तो कौन सनातन धर्म को? अब तो ये लड़ाई ऐसी है कि भाई सुशासन में तो कहीं भी ये भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से आगे नहीं है, लेकिन जो समाज में जो सुरक्षा की भावना और सनातन नष्ट करने के लिए अगर आप आगे चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि अब किसी राज्य में ये लोग रह पाएंगे। 75 प्लस की बात कर ऐसी कई खबरों के अपडेट पाने के लिए नवभारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।